इंडिया ने एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप, जिसे वो कहते हैं विश्व कप जो है वो उठा लिया है, और दूसरी मरतबा विश्व कप जो है T20 का इंडिया उठा चुका है। सर क्या बात है। और साथ साथ अच्छा, अब जो आखिरी ओवर में भी जब सब सारा डिजास्टर हो गया था, उसके बावजूद भी जब 6/16 चाहिए थे और उस वक्त जो अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है, मतलब अनबिलीवेबल कैच, अगर वो कैच भी ना होता और तो 5 गेंदों पे 10 रन थे तो फिर साउथ अफ्रीका गेम में आ जाता ना। भाई आपने इतना पास आके मैच उनको दे दिया है, मतलब जब महाराज बैटिंग करने आया था, अब यकीन करो मैं सोच भी नहीं रहा था महाराज बैटिंग आएगा करेगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लासन एक ओवर पहले मुका के चला जाएगा और क्लासन ही खत्म कर दे। ये हाहा ऐसे हुआ जैसे आपको अफसोस है कि साउथ अफ्रीका हार गया, ऐसा है क्या? बिल्कुल अफसोस है। कह रहा था कि विराट कोहली जो है वो प्रेशर के मैच में आएगा, नॉकआउट के अंदर चलेगा, सेमी में नहीं चला, लेकिन आज फिनाले में जहां टीम को उसने खड़ा किया विनिंग पोजीशन पे, वो विराट कोहली है सर। सुनील तनवीर साहब, हम बाबर का कंपैरिजन करते हैं हमेशा कोहली के साथ, यकीनन बड़े बेटर हैं वो, लेकिन क्या वजह है कि बड़े मैचेस में जिस तरह से आज मैंने कोहली की बात की कि उन्होंने परफॉर्म किया, उस वक्त परफॉर्म किया जब टीम को उनकी जरूरत थी, आउट किया क्लासन को मेरे ख्याल से, वहां से इन्होंने कमबैक किया, उसके बाद बुमराह ने जो इंपैक्ट डाला जबरदस्त, ये मैच जाना नहीं चाहिए था, ये तो 9 बॉल 10 बॉल पहले खत्म कर देना चाहिए। मिलर इतना लंबा ले गया, वो ले गया एंड तक, लास्ट तक, डीप तक। ये जी, आई वाज सपोर्टिंग टीम भारत बिकॉज़ मुझे पता था कि वो कर जाएंगे ये मैच, उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। और जब भी शाहिद भाई ने कैच की बात करी, उफ कमाल, जहां पे बुमराह ने ओवर करा ना, वहां से उन्होंने उसने जय तो आप सबको मुबारकबाद, आप सबको शुभकामनाएं जो भारत की टीम ने विश्व कप अपने नाम पे किया और अपनी ऐसी उमदा परफॉर्मेंस दी कि दुश्मनों को भी ना चाहते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के एक दिल खोल के तारीफ करनी पड़ रही है। भले ही वो खट्टे दिल से कह रहे हो, लेकिन उनको तारीफ करना उनकी मजबूरी बन चुकी है। भारतीय खेल का, भारतीय खिलाड़ियों ने खेल ही इस तरीके से खेला हुआ है कि वो ना चाहते हुए उनको तारीफ करना पड़ रहा है। साथ ही साथ हैट्स ऑफ टू किंग कोहली, हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और हाँ, साउथ अफ्रीका क्लोज टू देम, उन्होंने भी काफी अच्छा गेम दिया, काफी अच्छे फाइट की, लेकिन हाँ उनका दिन नहीं था शायद, और शायद अगर चौकर वाला टैग है वही उन्होंने परस्यू किया, बट हाँ बहुत अच्छा उन्होंने फाइट किया है। फाइनल का मैच ऐसे बड़े परफॉर्मेंस जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से हुआ है। किंग कोहली नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड लेजेंडरी क्रिकेटर, लेजेंडरी बैट्समैन, साथ में रोहित शर्मा उसकी कप्तानी बहुत ऑसम कप्तानी थी उसकी, सारे साथ स्काई की फील्डिंग, मतलब फील्डिंग यूनिट भी काफी अच्छी, थोड़े बहुत हमने वहाँ पे ये किए हैं लेकिन फिर भी ओवरऑल फील्डिंग भी काफी अच्छी रही हमारी। और जो स्काई का कैच है, कैच वो कैच ने एक दूसरे मैच पलट दिया, क्योंकि किलर मिलर वहाँ पे थे और वो शायद 16 रन उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, 3-4 गेंदों में वो सब हासिल कर सकते, लेकिन फिर भी वहां से अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, इन सब लोगों का एक मिला जुला एफर्ट और बुमराह, बूम बूम बुमराह, भारत इज सो बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और तीनों फॉरवर्ड में ऐसे थे लेकिन तीनों फॉरवर्ड में। तो चलिए इसी के मुताबिक जो भी रिएक्शंस पाकिस्तानी मीडिया में आ रही है इंडियन क्रिकेट टीम को लेके, वो रिएक्शंस हम देखते हैं। पर साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है, मतलब मैंने इंडिया बोली थी लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये मैच प्लेट में रख के दिया है, प्लेट में रख के दिया है कि वाकई हम चोकर्स हैं। भाई आपने इतना पास आके मैच उनको दे दिया है, मतलब जब महाराज बैटिंग करने आया था, अब यकीन करो मैं सोच भी नहीं रहा था महाराज बैटिंग आएगा करेगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लासन एक ओवर पहले मुका के चला जाएगा, मिलर क्लासन ही खत्म कर देगा। अच्छा मिलर पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, भाई बड़े मैचेस मिलर ने हरवाए इसी तरीके से, वो इतनी अरसा क्रिकेट खेलता रहा साउथ अफ्रीका से, अगर उस जैसा प्लेयर पैनिक हो सकता है ना तो भाई यार, मतलब यानी बुमराह है सामने, भाई क्या हो गया, उसके हाथ में बॉल है, आप इतना प्रेशर ले रहे हो, उसको थोड़ा सा विकेट तो छोड़ो, उसको ट्राई तो करो यार। अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं लास्ट ओवर तक ये आखिरी 2 ओवर में चांस लूंगा, तो भाई जब बॉल डॉट बॉट जाती है आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि आप मेन बैट्समैन है, आपके सामने टेलेंडर खेल रहे हैं, मेन बैट्समैन है, मेन बैट्समैन के ऊपर नाजरीन प्रेशर भी आता है। और इस बात का खुलासा सबसे अच्छा जो शख्सियत कर सकते हैं वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, पाकिस्तान के बेस्ट ओपनर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले आमिर सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा तनवीर भाई की आपने बात सुनी है कि जी प्रेशर आ गया मैच में, क्लासन जो है वो आउट हुए, मिलर भी जो है वो कुछ नहीं कर पाए, तो इस वक्त क्या सिचुएशन होती है, किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आप उस माहौल को? आई थिंक जिस तरह तनवीर ने बात की, थोड़ा सा प्रेशर से तो आ गए, लेकिन अगर आपने कॉशियस होना था तो आपका एक कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए थी कि हमने ट्रिकल करनी है बुमराह के खिलाफ हर गेंद के ऊपर, वो ट्रिक मिस किया उस वजह से इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल। वालेकुम सलाम सारा, एक मिनट, ये हाहा ऐसे हुआ जैसे आपको अफसोस है कि साउथ अफ्रीका हार गया, ऐसा है क्या?
बिल्कुल अफसोस है, दोनों टीम्स जो हैं वो मेरिट पे आई, डिजर्व करती थी, लेकिन दिल से मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका इस दफा जितना वो टफ कंपटीशन जीतते 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 यहां तक पहुंचे थे वो डिजर्व करते थे, लेकिन अवंश चौकर ऑलवेज दिया। अच्छा नहीं, आई डिसएग्री टू दिस। देखिए जी, आई वाज सपोर्टिंग टीम भारत बिकॉज मुझे पता था कि वो कर जाएंगे, इंट्यूशन भी होती है, बट एनीवे द न्यूज इज टीम भारत हैज वॉन द मैच बाय 7 रन्स। इंडिया आता है 176 रन्स ऑन बोर्ड करता है ऑन द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, लेकिन साउथ अफ्रीका आता है 169 रन्स ऑन बोर्ड करता है ऑन द लॉस ऑफ 8 विकेट। एक तरफ विराट कोहली, दूसरी जानिब बुमराह एंड देन हार्दिक पांड्या। ऑफ कोर्स डिस्कशन करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं हम अपने पैनलिस्ट की जानिब। वेलकम करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर एंड अ ग्रेट एनालिस्ट, वेलकम करते हैं सलमान साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड। उसके साथ साथ जी राजा असर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब भी मेरी तरह थोड़े से मुरझाए हुए हैं, या तो टाइम ज्यादा हो गया राजा साहब, नींद आ रही है। नहीं, मुझे आप देखें, मैं तो एक आपने पूछा था, मैंने वो कह दिया था कि इंडिया दिल चाह रहा था, हमारा बिल्कुल चाह रहा था, एग्री करते नहीं, जिस तरीके से मैच हुआ ना, हां जी, लग रहा था कि सिंगल्स का खेल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। के करते हैं इस पे डिस्कस। वेलकम करते हैं जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिस्टर आकिब कुरैशी को। अस्सलाम वालेकुम जी, हावी। वालेकुम सलाम, लक्ष्मी जेंटलमैन, सब उदास हैं, क्या हो गया? सलमान, आप तो कह रहे थे कि इंडिया कदरतन फेवरेट है, आप क्यों डाउन हैं? मैं एम नॉट डाउन एट ऑल, आई थिंक दे प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट। 30 बॉलों में 30 रन चाहिए, क्लासन 23 गेंदों में 50 कर चुके हैं, और वहां से अगर बॉलिंग उनकी वापस लाई है, जो उन्होंने बॉलिंग किया, जो फील्डिंग किया, जो कैचेस किए हैं, सूर्य कुमार यादव का कैच देखें, अंडर प्रेशर जिस तरह की कैप्टनसी की है रोहित शर्मा ने, आई थिंक दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ दिस विक्ट्री एंड देव बीन नॉकिंग ऑन द डोर। वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, वो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, एंड एट लास्ट देव स्नीक्ड इन, थोड़ा दरवाजा खुला और वो आ गए अंदर। एंड आई थिंक एक फेरी टेल एंडिंग भी हुई है, ऑलरेडी विराट कोहली है सेट के उसका लास्ट मैच था, प्रॉबली रोहित शर्मा विल ऑल्सो से दैट इन सम टाइम टू कम, एंड देन राहुल द्रविड, आई थिंक ही वॉज definitely it was his last game as the Indian head coach and what an end to his career ke at last sare final unhone khel ke haare the aur ek final unhone jeet liya, so I think a glorious win for them and I think mubarak ho pure India ko because the way things panned out unlength jab tak Klaassen udhar tha so it was unbelievable, yani har dusra gend chhaka aur hairan bhi kiya usne, pareshan bhi kiya aur kafi sare logon ko to mehal usne bilkul hi unki saansein rok di hongi jis tarah ki usne batting ki। And I think South Africa didn't choke. Yes. Actually, it was lack of experience. It was lack of big matches. And you know how, जब 30 में 30 रह जाता है ना, तो फिर आप persist नहीं करते उसी चीज़ के साथ। फिर आप ऐसे दो ओवर बस आराम से खेलते हैं और वो फिर opposition वो runs कराती है। Klaassen के आउट होने के बाद इन्होंने जैसे अपना मोड चेंज किया और एक और ब्लंडर किया इन्होंने, जो रबाडा को नहीं भेजा और महाराज को भेज दिया। महाराज ने इतनी चीज़ें पहनी थी, लगता वो जुलूस में आया था, चेस्ट गार्ड उसने पहना है, एल्बो उसने पहनी है, तो यू कांट बी कंफर्टेबल स्विंगिंग योर बैट विद ऑल दिस ऑन यू। उन्होंने एक्सपीरियंस की बात की तो डेविड मिलर उस टाइम वहां पे खड़े हुए थे, इतना एक्सपीरियंस और कल्ला बंदा, तो ये जो 30 पे 30 तो वो भी कर सकता था। इधर भी तजर्बे की बात है भाई, नॉन स्ट्राइकर से क्या करता, वो कितनी देर तो उधर खड़ा रहा। यही तो कह रहा हूँ, जो रबाडा ने, ये रबाडा को ना भेजा इन्होंने, कितने बॉल महाराज ने जाया किया और मिलर सामने नहीं आ सका, यानी अर्शदीप का ओवर जो था वो आइडियल ओवर हो सकता था मिलर के लिए, चार बॉल उसने जाया कर दिया उसके।